इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बिट सी डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो डिजाइन है रिक्वेस्ट पर हम बनाकर दिखाने जा रहे हैं। हमने पहले भी बनाकर ये डिजाइन दिखाया था तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था कि दोबारा ये बनाकर बताइए, समझ में नहीं आया है। तो ठीक है, उसी की रिक्वेस्ट पर हम बनाकर दिखाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमसे बनवाना है मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग के समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, येलो लिया है और हमने पिंक लिया है। तो ये हमने इस तरीके से दो कलर का लिया है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, रेड ग्रीन वाइट ग्रीन, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। तो हमने ये 5 इंच की चौड़ाई लिया है और ये हमारा 8.5 इंच की लंबाई है और ये भी हमारा सेम ही है, 5 इंच की चौड़ाई 8.5 इंच लंबाई, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें लेना है पीसेस को, और एक हमें लेना है पिंक और एक हमें लेना है येलो। तो 4 पीसेस हमने येलो लिया है और 4 पीसेस हमने पिंक लिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक पीसेस हमने देखिए इस तरीके से लिया है और हमने सिलाई कर दिया। तो एक साइड हमने कर दिया सिलाई, दूसरी साइड भी सेम ही सिलाई करेंगे, तीसरी भी करेंगे, ये देखिए चौथी साइड कर देंगे, चारों साइड से हम सिलाई करेंगे। तो हमने जो ये वीडियो बनाया था पहले इसी डिजाइन का, तो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और मतलब आप लोग को अच्छा लग गया था, कमेंट भी प्यारा प्यारा किए थे। तो ये डिजाइन इस तरीके से बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद में। कलर आप कोई भी लीजिए, अगर आप बेबी बेड सीट बनाना चाहते हैं तो एक फ्लावर लीजिए तो बीच में लगाइए इसको, बहुत बड़ा मतलब कर दीजिए तो बहुत ही प्यारा लगेगा। जैसे बेबी फलिया बोलते हैं उसको, वो भी बनाइए इसी तरीके से, बीच में फ्लावर ये बड़ा करिएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देख सकते हैं हमने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बनाकर इस, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इनमें बनाकर बताया है। तो देखिए पहले डिजाइन में भी हमने बनाकर बताया था, लेकिन आप लोग को क्या समझ में नहीं आता, बहुत लोग तो बहुत हर वीडियो में 2-4 कमेंट आता है कि समझ में नहीं आया, और 2-4 कमेंट आता है कि समझ में आया, बहुत प्यारा लगा ये वो, तो किन की बात माने और किन की ना माने। तो इस तरीके से देखिए हमने 4 पीसेस को किया है, तो हमने पिंक 4 लिया था और येलो हमने 4 लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से चारों साइड से हमने सिलाई कर लिया है और इसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास ये हमारा जो था इसको इस तरीके से कर देंगे और ये देखिए इस तरीके से इसको करेंगे। तो हमारा इस तरीके से जितना भी है ये लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। फिर ये हमने इस तरीके से इसमें करना है, ये देखिए। तो जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस में इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करा था और इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो बनाना बहुत ही आसान है और प्यारा भी बहुत लगता है बनने के बाद में। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये देखिए कटिंग कर लिया है, और जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस को हमने देखिए इस तरीके से कटिंग कर लिया है। तो देखिए इसको हमें सीधा करना है, ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर को निकाल देना है, और जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस को हम इसी तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए जितना भी है पूरे पीसेस को सेम ही करेंगे, इसी तरीके से कॉर्नर को निकाल कर सीधा करेंगे। तो देखिए पूरे को हम इस तरीके से सीधा कर लिए। अब हमें क्या करना है, एक हमें ये वाला पीसेस लेना है और एक हमें इस तरीके से पीसेस लेना है। तो येलो के साइड हमें पिंक रखना है और पिंक के साइड हमें येलो रखना है। तो ये देखिए हमने येलो के साइड हमने इस तरीके से पिंक को रखा है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए आराम आराम से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से पकड़े हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमने सिलाई कर लिया। अब इसको हम कट देंगे कटिंग, तो हमने कटिंग भी कर दिया। फिर हमें दूसरा पीसेस लेना है और इसको भी सेम ही करना है। अगर जहाँ पर हमारा पिंक रहेगा तहाँ पर हमें वाइट येलो रखना है, और जहाँ पर हमारा येलो है वहाँ पर हमें पिंक रखना है, और अच्छी तरीके से मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, और जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस को हम सेम ही करेंगे, ये देखिए इसी तरीके से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया, और इसको भी हमें रखना है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए सिलाई कर लिया। तो इसी प्रोसेस से आपको पूरे पीसेस को सिलाई करना है। तो ये देखिए
ये देखिए, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया है। अब दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे आराम आराम से। तो ये देखिए, हमने सिलाई कर लिया। कलर आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से रखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए, वो कलर आप रखिएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा बनकर आया है। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से बराबर कर आपको सेट कर देना है। तो हमें बीच में हम इसको रखेंगे, राउंड के शेप में कटिंग करेंगे। आपको जो भी शेप अच्छा लगे आप बीच में इसको कर दीजिए। तो देखिए, चलिए बताएं क्या करेंगे। तो बीच में आप कोई भी कलर रखिए अपने हिसाब से। तो हमें जो अच्छा लगा हमने उसी कलर को लिया है, और जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो बीच में रखिए। इस तरीके से हम रखेंगे और राउंड के शेप में इस पीसेस को कटिंग करेंगे सिलाई कर। तो ये देखिए, हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर लिया है राउंड में, राउंड के शेप में हमने करा है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से कर लिया है। अब इसमें इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए सिलाई कर लेंगे आराम आराम से। सिलाई इस तरीके से करेंगे, जहाँ पर हमारा ये हमने मतलब ड्रॉ कर लिया था लाइन को, वही साइड में मतलब उसी के ऊपर से हमें करना है। इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो ये है वो अच्छे तरीके से नहीं सेट हो पाएगा सिलाई। तो ये देखिए, अब एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने कटिंग कर दिया। अब हमें क्या करना, हमने दो लिया था तो एक लेयर को इस तरीके से बीच में कटिंग कर देंगे एक साइड। तो ये देखिए, हमने एक साइड को इस तरीके से कटिंग कर दिया और इसको अच्छे तरीके से बराबर करते हुए इस तरीके से कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाले पीसेस को लेना है और इसके ऊपर रखना है। तो आपको अगर सेट नहीं हो रहा, इधर उधर हो जा रहा था, और अगर आप लोग करिएगा तो पिनअप कर लीजिएगा, फिर आपको इसमें करना। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब अच्छे तरीके से हमारा सेट हो गया है, मतलब सेट। ये कॉटन का है इसीलिए इधर उधर नहीं हो रहा है। आप कपड़ा क्रेप का यूज करिए, तो आप इसमें पिनअप कर तभी करिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से राउंड राउंड हम सिलाई भी करेंगे आराम आराम से। तो जितना भी आपको बड़ा बनाना हो, छोटा बनाना हो, मतलब इससे इसी तरीके से आप फ्लावर बना सकते हैं। आप कोई भी कलर लीजिए, आठ पीसेस, चार चार पीसेस, दो कलर का अगर बनाना चाहते हैं तो चार चार पीसेस लीजिए, अगर एक कलर का बनाना चाहते हैं तो आठ पीसेस लीजिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसका फिनिशिंग बनकर आया है। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड इस तरीके से, यही हम जो हमने कलर ऊपर यूज किया है वही नीचे करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसके, अभी आप लोग को दिखाते हैं क्या करना है। तो इस तरीके से हमारा, देख सकते हैं, ये बनकर तैयार हो गया है फ्लावर। इस तरीके से आपको जितना भी बड़ा बनाना है बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से फैब्रिक लिया है। तो ये हमारा 14 इंच लंबाई है और 14 इंच चौड़ाई है। तो आप इससे कुशन भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे कुछ भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं 14 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। अब ये फ्लावर रखेंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और आधा आधा इंच की एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसमें सिलाई करेंगे ऊपर की साइड। तो आप इस तरीके से सिलाई करिए कि जहाँ पर पिंक है वहाँ पर पिंक करिएगा, और जहाँ पर येलो है वहाँ पर येलो करिएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फिनिशिंग बनकर आएगा। तो आप इससे कुशन बना सकते हैं, आप इससे पिलो कवर बना सकते हैं, आप इससे डोरमेट बना सकते हैं, फ्लोर मेट बना सकते हैं, टेबल कवर बना सकते हैं, बेबी बेड सीट बना सकते हैं, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन से। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बनकर आया है इसका लुक। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग के समझ में आएगा। हर वीडियो में हम यही बात बताए हैं। आई होप आप लोग को डिजाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डबल बेड का बेड सीट बनाना है तो इसी तरीके से आपको फ्लावर लेना है, जितना भी है बड़ा बनाना है, जितना भी फ्लावर को आप लोग को लेना है, और इसमें पट्टी लगाना है, एक एक कर ज्वाइंट कर देना है। चारों साइड आप इसमें पट्टी लगा सकते हैं। हम इसका पूरा बेड सीट बनाएंगे तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे इस किस तरीके से हमने बनाया है। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा और हमारे बताने का तरीका भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखें।